आई बी ऑन द सेफर साइड और प्रेशर बनाया जा सके उनपे, बट मेरी घर की ईएमआई तो शुरू हो गई ना। इस बंदे ने मुझसे एक बार ही नहीं पूछा तो मैंने इस्तांबुल का प्रोग्राम बनाया। रश्मि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं भाई, एक दिन जी के तो देखो। आग में घी डालने वाला काम भाई। अपना डिटेलिंग डेविल्स का फर्स्ट सॉन्ग आ चुका है भाई। घर की स्टिल्ट पार्किंग में जीपीएस कैसे मिले, यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं आता। अभी बाहर निकालते हैं और इसको जीपीएस दिखाते हैं, नेटवर्क दिलवाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल एंड छोटों को प्यार, बड़ों को सत्कार और छोटों को प्यार। ये रब तुहानू चढ़दी कला च रखे। आई नो कल व्लॉग नहीं आया, आज आएगा ना, मतलब डाल दिया ऑलरेडी, आपने देख लिया होगा यार। तो बिल्डर के साथ ना काम करना वाकई में टफ होता है। मेरे से एक महीने का टाइम लिया कि हम सारे काम करवा देंगे, जो काम छोटे मोटे कराए भी वो भी सब गड़बड़। कोई नहीं, खुद करा लेंगे। अब घर की चाबी आ गई है ना, हम खुद ही करा लेंगे भाई, क्योंकि डिपेंडेंट होना बेकार है। फिर करेंगे बिल्डर से बाद में फाइट। भाई ये पैसे लगे हैं, आप पैसे दे दो, बात खत्म। फिलहाल मैंने कुछ पैसे रोके हुए बिल्डर और डीलर के, ताकि आई विल बी ऑन द सेफर साइड और प्रेशर बनाया जा सके उनपे। बट मेरी घर की ईएमआई तो शुरू हो गई ना, आई वेस्टेड वन मंथ। तो भाई अभी जाना है ऑफिस, ऑफिस में दो चार काम है वो निपटाएंगे। कल इन्वेस्टर से भी मीटिंग हुई है आप सभी लोगों के लिए, और कुछ प्रपोजल मैंने आगे ऑलरेडी प्रपोज कर दिए, देखते हैं उन पर क्या रिवर्ट आता है, फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। बाकी अभी आप गाने एंजॉय करो, बहुत होगी बातचीत, लेट्स एंजॉय सम सॉन्ग। और हाँ हाँ, सॉन्ग से याद आया, रुको 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 भाई, अपना डिटेलिंग डेविल्स का फर्स्ट सॉन्ग आ चुका है, तो इस वीडियो के एंड में आप उसको देख लेना और एंजॉय करना और बताना कैसा लगा आपको पहला सॉन्ग। एडी भाई ने बहुत बहुत मेहनत करी उस पर। तो भाई नोएडा के काम निपटा के अब मैं निकला हूँ गुड़गांव। टाइम हो गया है 2:42। अपना स्केड्यूल है अभी गुड़गांव जाने का। विकास भाई ऑल्सो नीड्स असिस्टेंस इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो इनिशियली आपको पता है कोई भी आप काम शुरू करते हो छोटी छोटी टीथिंग प्रॉब्लम्स आती है, तो वो सबके साथ है। तो विकास भाई को कई बार ना वो काम डाउन करना पड़ता है। विकास भाई काम डाउन, आई नो वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बट यू नीड टू काम डाउन। तो अभी जाऊंगा उनसे कुछ डिस्कशंस करनी है, कुछ काम हमारे पेंडिंग है, और उनके लिए भी मैं सरप्राइज़ दूंगा कि मैं कल इस्तांबुल जा रहा हूँ भाई, क्योंकि जाना पड़ेगा यार, आई हैव कमिटमेंट ओवर देयर। देखते हैं फिर वहाँ से शायद मेरे को वियतनाम निकलना पड़े। अभी वियतनाम का ना मेरा वीज़ा आया नहीं है, तो इसी वजह से मैं इस्तांबुल की ना टिकट नहीं ले पाया हूँ। इंस्टेंट बुक करूँगा, मोस्ट लाइकली यही होगा मेरे साथ, 90% तो यही होता है कि मेरे को सेम डे टिकट लेने पड़ती है। अगर अभी ले लूँगा तो मेरे 7-8 हज़ार रुपये तो बच ही जाएंगे। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़, ट्रस्ट मी। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं भाई, एक दिन जी के तो देखो। बी इन माई शूज़ एंड रियलाइज एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें। तो भाई ये आया नया प्रोजेक्ट हमारे पास, डार्क एडिशन ऑफ दिस, क्या है, सफारी। भाई ये एब्सोल्यूट डार्क नहीं है, तो इसको हम एब्सोल्यूट डार्क करेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पहले तो इसके अलॉय व्हील पे हम पियानो ब्लैक फिनिश पेंट करेंगे। अभी ये स्मोक्ड ब्लैक है, ये क्या करते हैं क्रोम के ऊपर ही ना एक कैंडी ब्लैक मार देते हैं, जिसकी वजह से ना ये प्योर ब्लैक कलर नहीं होता। लेकिन हम इसको मैच करेंगे इस वाले कलर के साथ जो कि है पियानो ब्लैक। देन हम इसकी ग्रिल जो है इसको कंप्लीट ब्लैक कर रहे हैं। देन हेडलाइट और फॉग लाइट की जो हाउसिंग है, जिस प्लास्टिक हाउसिंग में लगी हुई है बम्पर के साथ जो अटैच्ड है, इसको प्योर ब्लैक करेंगे। देन इसको ब्लैक करेंगे, देन इसको ब्लैक करेंगे, देन इवन दिस ग्रिल विल ऑल्सो गेट ब्लैक। तो कंप्लीट ब्लैक कर रहे हैं, और साथ के साथ जो ये वाले बैजिंग भी दे रखी है ना डार्क वाली, इसको एक्चुअल डार्क करेंगे, इसको ब्लैक करेंगे और इसमें दोबारा से रेड कलर ब्लीड करा के इसमें डालेंगे, ताकि वो कैलिपर्स के कलर के साथ मैच हो जाए। बिकॉज जो कैलिपर्स का कलर है ये वाला रेड, वो इससे मैच नहीं करता। देन हम इसके इंटीरियर में कर रहे हैं अपना PPF का पैकेज, ताकि जितने भी पियानो फिनिश वाले पार्ट्स हैं वो हमेशा ही ग्लॉसी रहे। अलॉन्ग विद दैट हम इस पार्ट को ब्लैक करेंगे। देन इस गाड़ी की जो टेल लाइट है वो टूट गई थी, तो इसको रिप्लेस करेंगे। देन ये बम्पर कंप्लीट ब्लैकआउट होगा, ये वाला। थोड़ा सा मैं इधर रोशनी चाहता हूँ,
इधर नहीं हो रहा, इधर दिखाता हूँ। ये वाला बम्पर कंप्लीट ब्लैक करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इवन ये जो हैरियर सफारी लिखा हुआ है ना, सॉरी ये जो सफारी लिखा हुआ है बैजिंग, इसको भी ब्लैक करेंगे। और क्या कर रहे हैं इस गाड़ी में हम, ये वाला भी ब्लैक कर रहे हैं। देन ये व्हील की जो प्रोफाइल है, प्लास्टिक क्लैडिंग्स, ये भी कर रहे हैं ब्लैक। देन ये भी ब्लैक होगी डोर की क्लैडिंग्स। ये सारी की सारी जो कॉम्बिनेशन रहेगी ना, वो पियानो फिनिश ब्लैक में रहेगी, ना कि जो इसका ब्लू जेरालिक्स ब्लैक है वो नहीं कर रहे हैं भाई। ये गाड़ी आई थी एमपी से, नंबर पूरा नहीं दिखाऊंगा। बेसिकली हमने इसके व्हील्स करे हैं पियानो ब्लैक, अलॉय व्हील्स जो है पियानो ब्लैक फिनिश में करे हैं, और कैलिपर करे हैं रेड। अल्टीमेट लग रही है क्लैडिंग। और इन्हीं की ना हमारे पास ऑडी आ रही है एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए भाई। ये देखो अब यहाँ पे हमारे लग गए हैं होल्डिंग कह लो, या इसे इन्होंने विनाइल लगा दिया। अब ये दरवाजे ट्रांसपेरेंट से रेड कारपेट बोलते हैं भाई। और ये काम ना जो ये ट्रीटमेंट जो है हर उस पर हुआ है देखो। तो मनाली अगर जाओगे तो बड़ा लंबा रूट पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, और जाम बहुत है वहाँ पे। अरे मैं अकेला बहुत एंजॉय करता हूँ, किसी को साथ ले जाओ। हाँ किसी को साथ ले जाओ, कोई है नहीं तो अकेला ही। बहुत टाइम हो गया सोलो। मेरे से पूछा नहीं, इस बंदे ने मुझसे एक बार ही नहीं पूछा तो मैंने इस्तांबुल का प्रोग्राम बनाया। इस बंदे ने अगर पूछा होता ये तो पता है सबको, ना बोल रहे हो मेरे साथ आते साथ ही बोल रहे हैं। मैं से नहीं पूछा, हैं पूछा आपने पूछा देखो देखो, आप राघव भाई से तो पूछ सकते थे। ये नए नेबर्स हैं, इसका मतलब ये थोड़ा इनको ट्रैवलिंग का शौक है। आग में घी डालने वाला है? काम देख रहे हैं विनोद। दिस नाउ व्हेन शी इज अवे भाई, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू इंडिया और चले हम इस्तांबुल। विकास भाई का भी प्लान बन गया था, आई थिंक वो शायद मनाली जाएंगे या उत्तराखंड। उत्तराखंड मतलब मनाली या हिमाचल या उत्तराखंड जाएंगे, देखते हैं भाई। बाकी माय ट्रिप विल बी वेरी लॉन्ग बिकॉज हो सकता मैं इस्तांबुल के बाद सीधा वहाँ से वियतनाम जाऊँ, लग तो ही रहा भाई। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन फ्रॉम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल इस्तांबुल और अपना काउंटर है एल और अपने लग गए हैं एल। बहुत नींद आ रही भाई, सोया नहीं हूँ, कल भी जल्दी जग गया था। देखते हैं भाई लाइन ज़्यादा ना हो लंबी, अभी भी ज़्यादा लंबी लाइन तो नहीं है, बट लेट्स सी भाई। नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग आओगे तो वेब चेक इन जरूर करके आना, स्पेशली फॉर टर्किश एयरलाइन, अदरवाइज यू विल हैव टू स्टैंड फॉर एटलीस्ट एन आवर, विच आई रियलाइज जस्ट नाउ। लो जी ख़त्म हो गई इमिग्रेशन और सिक्योरिटी, और उसके बाद आगे आप ये शॉपिंग मॉल में, आई मीन यू कैन सी माय बैकग्राउंड। शॉपिंग के लिए यहाँ पे हज़ारों ऑप्शन है, फ्रॉम परफ्यूम टू चॉकलेट्स टू अल्कोहल, लॉट ऑफ थिंग्स आर हियर। सो भाई बिफोर वी स्टार्ट द जर्नी लेट्स रिफ्यूल और कुछ खा लेते हैं भाई। और गाइस मुझे अभी रियलाइज हुआ, जिस कंट्री में मैं जा रहा हूँ ना वहाँ पे सर्दी है, एंड आई एम नॉट कैरिंग एनीथिंग एनीवेज। फिर भी मैंने बैकअप के लिए ना एक जैकेट डलवा ली थी, पता नहीं क्यों डलवाई थी, बट अभी अभी पता चला कि भाई मैं इस्तांबुल जा तो रहा हूँ और वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री हो रहा है, आई एम श्योर रात को और ठंडा हो जाता होगा भाई। फ्लाइट की जो ड्यूरेशन है वो रहेगी अराउंड 6.5 घंटे की, और मैं जा रहा हूँ वाया टर्किश एयरलाइन ओनली, जस्ट टू एक्सपीरियंस देयर लोकल एसेंस। बाकी तो सब ठीक है भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव विच यू हैव गिवन फॉर माय लास्ट वीडियो भाई। आई मीन एंड आई होप आपको घर अच्छा लगा हो, एंड होपफुली विद इन अ मंथ छोटे मोटे जितने भी चेंजेस हैं वहाँ पे करवा लूँगा, और देन विल डू अ हाउस वार्मिंग पार्टी, दैट्स व्हाट इट इज़ रिक्वायर्ड। चलते हैं भाई अभी ये वाली बिजनेस ट्रिप ख़त्म करते हैं। मेरा अगर वियतनाम का वीज़ा आ गया तब तक, सो देन आई विल फ्लाई टू वियतनाम। सो वियतनाम में आई हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे हमने ना लोमेलॉर की डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है ऑलरेडी, तो मेरे को वहाँ जाके भी साइन अप करना है वो वाला। देखते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे काम पेंडिंग है यार।